क्या कर रही है इंसान? रिएक्शन देख रहे हो आप लड़कियों का? हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक होंगे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब कि एक दो दिन से मतलब कि ऐसे हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश आई है, परसों आई थी लेकिन कल फिर उमस हो गई थी, बारिश नहीं आई, तो इसका भी एक प्रॉब्लम रह जाता है। और गाइस, अपनी बाइक में फ्रंट का शॉकर हो चुका है एक लीक। सो इसका मेन रीज़न ये है कि भाई मेरा पिछला वाला जो ब्रेक है वो काफ़ी दिनों से ख़राब था, मैंने ठीक कराया नहीं था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो उस वजह से क्या, मैं आगे का ब्रेक ज़्यादा अप्लाई करा तो उस वजह से शॉकर ज़्यादा दबे और बहुत हार्ड दबे, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही, मैं खुद फील किया हूँ। एक दो बार तो पूरा जो आगे का विंग लेट है जो लगवाया हूँ वो भी पूरा टच हो जाता है। सो इस वजह से क्या, एक शॉकर लीक हो गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोनों एक साथ ही ठीक करा लूँ। मुझे लग रहा है कि दोनों ही लीक है। और पीछे का जो मास्टर सिलेंडर होता है, ये मास्टर सिलेंडर भी चेंज कराऊँगा, क्योंकि दोनों चीज़ ठीक करानी है। अगर ये नहीं कराया तो भाई ब्रेक तो बहुत ज़रूरी है बाइक के लिए। सो आज अपन इसको करवाएंगे ठीक। क्या कर रही है इंसान? रेड में कर रहा है भाई, साला ऐसा लग रहा है पीछे लगा दूं मैं, तब क्या करूं मैं, क्योंकि मुझे जॉब भी जाना है और हार्ट बीट पूरी ऐसी तेज हो गई। गाइस ऐसे बिल्कुल भी ना करे भाई, कोई भी कार ड्राइवर हो यार, पूरे सिग्नल हो गया था तब जाके मैं निकला था। एक कार वाला आपने साइड में देखा होगा, वो रुक गया था और ये रुका नहीं, वो तो सही एंड टाइम पे मैंने थोड़ा सा घुमा लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, क्या है बोलूं मैं। आज तो भाई मेरा होता कल्याण। ओ भाई क्या ही बताऊँ मैं, कि मेरे को भी कैसा फील हो रहा है, और जो बचा हूँ ना मैं अभी, आपको कैमरे में पता नहीं अल्ट्रा वाइड है ये, सो कितनी दूर दिखे, कितना डिस्टेंस दिखेगा, लेकिन मुझे पता है और सामने लोग भी खड़े देख रहे थे। आज तो कल्याण हो जाता भाई अपना। चलो कोई नहीं, भगवान की है अपने सर पे हाथ, तब तक क्या ही होगा। आज तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं थी यहाँ पर, होता तो इसका चालान पक्का कटता है, सिग्नल क्रॉस कर रहा है। गाइस आप लोगों को तो सबको पता ही होगा कि अपने यहाँ पर पेट्रोल पंप पे हड़ताल चल रही है कुछ दिनों से, तो दो दिन तो मतलब कि 10 to 6 रहा, मतलब कि बंद रहा। फिर उसके बाद अभी पता चला कि अब हड़ताल है ना, 10 दिन के लिए टाल दी गई है, अब 10 दिन हड़ताल नहीं रहेगी। सो ये अच्छी बात है, चलो, वरना फिर मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में पूरे मल के पेट्रोल पंप पे भीड़ रहती थी नॉर्मल से ज़्यादा। गाइस अपने जयपुर में एयर शो चल रहा है जल महल के पास, आप सबको पता ही होगा। मैं जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन तो चल रहा है, लेकिन भाई मुझे जाने का मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि जॉब भी है। सो कब जाएँ, बस ये है कि मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ वहाँ के छतों से दिखता है, तो अगर मैं वो कुछ रिकॉर्ड होता है मुझे दिखता है तो मैं वीडियो ज़रूर इसमें ऐड कर दूँगा। गाइस मैं कुछ दिन पहले भी गया था, मतलब कि गाड़ी के मतलब कि फ्रंट का सस्पेंशन जो लीक हो रहा है इसका ऑयल सील, मतलब कि चेंज का क्या क्या प्रोसेस है और कितना लगेगा। सो उन्होंने 450 बताया, शाम तक बाइक मिलेगी। एंड जो मास्टर सिलेंडर है उसका बताया कि 850। सो मतलब कि मेरा आराम से 2000 के समथिंग मेरा खर्चा बैठ जाता, और टाइम पूरे बाइक टाइम भी रहती, तो मतलब कि बाइक पूरे क्या है सर्विस सेंटर पे रहती, तो मेरे को क्या ब्लॉग वगैरह भी बनाना था और मुझे बाइक चाहिए। सो मैंने सोचा मैं बाहर से शॉकर ठीक करा लेता हूँ और बाबू शॉकर है, सो अजमेरी गेट में काफ़ी फेमस है, तो मैं वहाँ से ठीक करा लूँगा 350 में पर शॉकर। सो मैं दोनों ही करवा लूँगा एक साथ ही, बार बार का झंझट नहीं है भाई एक हो दोबारा, तो इसलिए एक साथ ही अपन सील चेंज करवा लेंगे। एंड वहीं से मैं जो मास्टर सिलेंडर है रियर मास्टर सिलेंडर वो लेके मैं तनिष्क के पास जाऊँगा। वो मास्टर सिलेंडर खुद के RS 200 में भी है ना, अभी रिसेंटली लगाया है, तो उसी से लगवा लूँगा। अभी तो अपन जॉब जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया, मैं देखो 10:30 से ऊपर हो गई,
जॉब पे जाके अपन थोड़ा सा ऑफिस का मॉल का काम करवा लेते हैं, वहाँ से फ्री हो लेते हैं, फिर दिन अपने बाइक का काम कराने जाएंगे और वहाँ से मास्टर सिलेंडर लेके तनिष्क के पास जाएंगे। वो बारिश आ गई, कल भी ऐसा ही हो रहा था, तो चलो कुछ तो भाई गर्मी से राहत मिली है। तो आज सैटरडे है तो भाई व्हीकल वैसे ही बहुत कम है, वीकेंड है। गाइस वो जो स्टार्ट में माना हुआ है उस वजह से मेरे अभी दिल की धड़कन बहुत तेज है, मतलब कि भाई किस बात की जल्दी है ये बताओ इन कार वालों को यार। ऐसे कैसे ले रहा था, वो आ रहा था भाई पीछे से, भी शायद मेरे को लग रहा है अपनी दडार गिरो का चेन भी थोड़ा सा लूज है, उसको टाइट कराना पड़ेगा, उसको सेट कराना पड़ेगा। तो अपन आ चुके हैं मॉल, लगा देता हूँ मैं ऊपर, यहाँ कबूतर बीट कर देते भाई, गाड़ी गंदी कर देते। सो गाइस निकल गया मैं मॉल से, अब पास में ही मार्केट, तो पहले उसको ठीक करवाऊंगा मैं सस्पेंशन को, और वहीं से लूंगा मैं मास्टर सिलेंडर, फिर इसके बाद जाएंगे दोस्त के पास टाइम मिला तो, क्योंकि वो भी ठीक कराना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर से ये लीक हो जाएगा। गाइस अभी पता नहीं जो कट दिख रहा है ये ऑटोमेटिक गोप्रो ऑफ हो गया, और पता नहीं क्या एरर चल रहा है इसमें, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। रिएक्शन देख रहे हो आप लड़कियों का, वाइजर ऑन में देखूं तो पता चल जाता, देख रहा ऑफ कर लिया अब बस रिएक्शन देखना चाहिए ना यार, कैसा क्या रिएक्शन है जब भी। तो देखा गाइस, हैं देखा KTM Duke 390 को ना देख के इधर देख रही है, और क्या चीज, क्या सिनेमा हॉल में लग रही है जवान। मैंने एक बहुत अच्छा मीम देखा था, यूपी पुलिस ने लगाया था, जवान हो या बूढ़ा हेलमेट जरूर पहने, और उसमें वो शाहरुख खान की फोटो थी, वो जो पट्टी मम्मी टाइप का नहीं बन रखा था क्या वो, और भाई वो तगड़ा ही लिया भाई, शायद अगर वो मेरे को मीम मिल जाएगा तो मैं जरूर डिस्प्ले करूँगा। थोड़ा सी बरसात से पानी पानी हो गया गाइस, बस पहुँच गए अपन, बस ये फ्री हो यार और कोई ना हो। अभी खाना पानी चल रहा है गाइस, स्टैंड छोटा होने के कारण बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई, गाड़ी करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो जेक लगाना पड़ रहा है बाइक में, और क्या क्या मशक्कत करनी पड़ रही है। तो गाइस बहुत भूख लग गई है, और मेरा हाफ डे हो चुका है, मतलब कि हाफ डे मतलब कि
पूरा आधा व्रत हो गया मेरा, तो मैं जा रहा हूँ कुछ ढूंढने को, मुझे मिल जाए तो। बहुत तेज लग रही है मुझे भूख, मार्केट का यही है, और जब तक बाइक रिपेयर होती है तो कुछ ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि आज मैं खाना भी लेके नहीं आया। सो गाइस, एक कचौरी की दुकान मिल गई है, मैं फटाफट यहाँ पर कचौरी लेता हूँ और भोजन करता हूँ, कुछ खाता हूँ। कचौरी ले ली, समोसा ले लिया, सॉरी, मैंने उसको फटाफट फिनिश करता हूँ। सो गाइस, बाइक ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, तो मैं जब तक जा रहा हूँ अपनी बाइक का वो जो मास्टर सिलेंडर है, रियर मास्टर सिलेंडर, वो लेने जा रहा हूँ। तो अपन फटाफट शॉप पे पहुँचते हैं, वहाँ पर उसको परचेज करते हैं कितने का पड़ता है। सो गाइस, फाइनली बाइक, तो सो गाइस फाइनली बाइक हो गई ठीक, और इन भैया से थोड़ी सी हो गई है मिस्टेक, तो जो ये है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो जो इसमें है ये कैप, ये अंदर की तरफ जा रही है और इनको लगा कि इसके साथ जुड़ता है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो काम तो सही किया है, और इन्होंने बोला है कि ये बाहर आपको मिल जाए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको इसका खर्चा दे दूंगा। तो काफ़ी सही लगा ये सुन के मुझे। अरे भाई, सो गाइस काफ़ी लेट हो गया, मैं 5:30 हो गए इधर ही, मेरे को फटाफट घर पहुंचना है। और जो शोकर है उसका काम तो मतलब कि सही हुआ है, अभी देखते हैं, देख के तो सही लग रहा है, बाकी कितना वर्क करता है ये फिर देखते हैं अपन, कि बाहर रिपेयर कराना सही रहता है या फिर नहीं, क्योंकि जो सर्विस सेंटर है वो 450 ले रहे थे, और जो यहाँ वाले हैं ये लिए हैं 500 दोनों के। तो सही है, 50 रुपये और दे के। मैंने वो भी ले लिया है, मास्टर सिलेंडर भी ले लिया है रियर ब्रेक का, और ब्रेक ऑयल भी ले लिया, तो उसको फटाफट इंस्टॉल कराना ज़रूरी है, वरना जो रीज़न में सब उतर हूँ उस रीज़न के अकॉर्डिंग तो ये फिर से शोकर हो जाएगा ख़राब। तो फटाफट उसको भी ठीक कराना है। एक इसका थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये लुक बिगाड़ देती है बाइक का, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा मेरे को, या तो ये पूरा खुल के पेंट होगा तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, बट ये नया मिल जाए तो ही बेटर है। सो गाइस, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आने वाला ब्लॉग थोड़ा सा ऐसे मिस्ट्री टाइप का आने वाला है, क्योंकि मुझे एक बंदे ने कॉल किया था और उससे रिलेटेड है, तो मैं उससे मिलने जाऊँगा। सो बने रहिए अपने चैनल में, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय and take care।